नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। अभी मैं मौजूद हूं सासाराम के कलेक्ट्रेट गेट के सामने और यहां पर देख सकते हैं कि युवा राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया है। और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये मिलते हैं कि 5 जून संपूर्ण क्रांति दिवस पर युवा राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया है। आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों किया गया है, मैं युवा राजद कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास करूंगा। युवा राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया, आखिर धरना प्रदर्शन क्यों दिया गया? आज का यह धरना 5 जून ये क्रांति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देश में आज कोई सुरक्षित नहीं है, पहले किसान फिर जवान अब महिला पहलवान। ये नरभक्षी सरकार जो है सबको अपने चपेट में ले रही है और ये लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र के तरह एक तरफ राजा का राज्याभिषेक हो रहा था, नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, वहीं कुछ दूरी पर महिला पहलवानों को बेशर्मी से बेदर्दी से घसीटा जा रहा था। और ये जो अत्याचारी सरकार है अपने जश्न में मशगूल थी। आज हम लोग उसी के खिलाफ में, नई शिक्षा नीति के खिलाफ में, बेरोजगारी के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में, आज ब्रजभूषण सिंह एक आदमी को बचाने के चक्कर में कई महीनों से महिला पहलवानों का धरना चल रहा है। ये सरकार को हम लोग जगाने के लिए आज हम लोग धरना किए हैं। लगातार जिस तरह से आप लोगों के द्वारा पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और आज 5 जून क्रांति दिवस मनाया जा रहा है और पूरे प्रदेश में प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया गया है। जिस तरह से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा से वंचित। जिस तरह से 1974 का जो आंदोलन हुआ था, और कोई भी आंदोलन की शुरुआत जो होती है इस बिहार से होती है, और जब जब बिहार जागा है तब तब केंद्र सरकार जो है हिल गई है। एक बार फिर वह समय आ गया है इस केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का। आज इस जो राजतंत्र की जो सरकार है, एक बार फिर से हम लोग वही आंदोलन को जीवित करने का काम कर रहे हैं। हम लोग एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप लोगों के द्वारा सरकार के खिलाफ यहां पर धरना प्रदर्शन दिया गया है और 5 जून संपूर्ण क्रांति दिवस पर कलेक्ट्रेट गेट के सामने धरना दिया जा रहा है, आखिर क्यों दिया जा रहा है? आज हम सभी यहाँ युवा राजद के साथी एवं राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रकोष्ठों के साथी धरना में उपस्थित हैं। धरना का मुख्य कारण है कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी एवं बिहार के यशस्वी युवाओं के आइकन उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार हम सभी युवा राजद के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश यादव जी की अध्यक्षता में आज पूरा बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर युवा राजद द्वारा धरना दिया जा रहा है। इस धरना का मुख्य मुद्दा है कि हम सभी केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग करते हैं। साथ ही जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है उसका हम विरोध करते हैं, उसमें बदलाव कराना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो आज देश में बहुत बेकाबू महंगाई हो गई है उसके विरोध में केंद्र सरकार इस पर काबू पाए, उसके लिए आज हम लोग यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं। आपको बता देते हैं कि नई शिक्षा नीति में हमारे जो देश के गरीब हैं, किसी भी वर्ग के हो, क्या वो सवर्ण जाति से हो या ओबीसी से हो, SC ST से है, जो गरीब हैं उनके लिए शिक्षा नीति उनके हित में नहीं है। जैसे कि शिक्षा नीति में निर्धारित किया गया है कि जो कॉलेज में 3000 छात्र से कम होंगे उस कॉलेज को बंद करके और किसी संबंधित कॉलेज से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि हमारे जितने भी मैट्रिक पास लड़के करते हैं, इंटर पास करते हैं, जो कॉलेज है उतना में उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, बहुत लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
ऐसे में जब आप कॉलेज को बंद कीजिएगा तो और सारे लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति जो लाई गया केंद्र सरकार से इसमें बदलाव हो। जातीय जनगणना के बारे में आप लोग यहाँ पर धरना दिए हैं और कोर्ट ने जिस तरह से अड़ंगा लगाया है और कहा है कि ये आपका काम नहीं है, जातीय जनगणना केंद्र सरकार का काम है। जातीय जनगणना केंद्र सरकार ने ही आदेश दिया था। हमारे नेता तेजस्वी यादव, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी की पूरी टीम, इस बिहार राज्य की सभी दलों का टीम केंद्र सरकार मोदी जी से मिलकर इस बात को रखा था कि आप जातीय जनगणना कराएं, लेकिन केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये बोला गया कि अगर आपकी मनसा है तो आप अपने संसाधन से जातीय जनगणना बिहार में करा सकते हैं। ये बात मोदी जी के द्वारा ही बोला गया, केंद्र सरकार के द्वारा ही बोला गया, इसलिए यहाँ अधिकार मिल गया कि अपने संसाधन से हम जातीय जनगणना कराएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जातीय जनगणना का आदेश तो केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 9 साल बेमिसाल मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना भारत की पुरानी नीति रही है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो। इसीलिए भारत को लोग कह रहा है कि नई हिंदू राष्ट्र लाएंगे, नया राज बनाएंगे, नया संविधान बनाएंगे, इसी कह रहा है कि 9 साल में मैंने बहुत अच्छा काम किया। यही कारण है कि लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, जुमलों की पार्टी है, इसका कोई काम धरातल पर नजर नहीं आता है, यह केवल भाषण में नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का कहना है कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो 9 साल में हो चुका है। वो तो दुनिया देख रही है, 400 का सिलेंडर 1200 में, 200 का तेल 800 में, 400 का गाड़ी 900 में। ये भारतीय संविधान का 9 साल काला इतिहास के रूप में लिखा जाएगा जब नरेंद्र मोदी सत्ता से हटेंगे और इनको फेलुअर प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास गवाही देगा। जैसे कि अभी आपने साफ तौर पे राजद कार्यकर्ताओं से सुना, राजद कार्यकर्ताओं में केंद्र सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है, इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना बिहार सरकार के द्वारा कराया जा रहा था मगर सरकार किस तरह से अड़ंगा डालकर जातीय जनगणना को रोक दी, इसीलिए यहाँ पर राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिया गया है और काफी राजद कार्यकर्ताओं में काफी केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। बाकी ऐसे ही तमाम आप खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।